जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम लोग एक नए विषय को सीखेंगे और आज का विषय के लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 18 आयत 1, साम चैप्टर 18 वर्स 1। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, आयत इस प्रकार है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बहुत छोटा एक आयत है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब छिपा हुआ है। एक और बार उस आयत को रिपीट करना चाहती हूँ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है, हेडिंग में ही लिखा है। दाऊद ने ये भजन को तब लिखा जब परमेश्वर ने दाऊद को अपने शत्रुओं से बचाया। हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन में अनेक शत्रु थे। शाऊल राजा दाऊद का दुश्मन था, दाऊद का खुद का बेटा उसके खिलाफ हो गया, आसपास के पड़ोस देश के राजाओं जो है दाऊद के खिलाफ युद्ध करने आते थे। इस प्रकार दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं कि दाऊद अनेक शत्रुओं का सामना किया। और इस भजन में दाऊद सबसे पहला आयत में लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आप मेरा बल हो, मेरा स्ट्रेंथ हो, मेरा ताकत हो। और जब इस आयत को हम पढ़ते हैं, उसी अध्याय का एक और आयत को आपके साथ सामने रखना चाहती हूँ, जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि दाऊद जब कहता है परमेश्वर मेरा बल है, तो दाऊद वो बल को अपने जीवन में कैसे डिस्क्राइब करता है। हम पढ़ेंगे वर्स 33 आयत 33, यहाँ पर लिखा है, वही मेरे पैरों को हरनियों के पैर के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। यहाँ पर दाऊद कितना सुंदर सा एक बात को लिखता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर आपने मेरे पाँव को या पैरों को हरनियों के पैर के समान बनाया है। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है, और मुझे मेरे ऊंचे स्थान में पहुंचाया है या खड़ा किया है। दाऊद प्रभु से इस बात को कहता है, परमेश्वर आपने मुझे ऊंचाई में रखा है, एक आदर के स्थान में रखा है, एक सम्मान के स्थान में रखा है। और उसका मतलब ये है कि मैं दुश्मनों के ऊपर जय पाया हूँ। और दाऊद ये बात को डिस्क्राइब करते समय ये भी कहता है, प्रभु आपने तो मेरे पाँव को या पैरों को हरनियों के पैर के समान बनाया है। आज यही हमारा विषय है कि हरनियों के पैर की विशेषता क्या है। लेकिन उससे पहले एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है हबकुक उसका 3:19, हबकुक चैप्टर 3:19 आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर हबकुक एक भविष्यवक्ता है और हबकुक इस प्रकार लिखता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हबकुक क्या कहता है, परमेश्वर मेरे पैर को हरनियों के पैर के समान बनाता है, और दूसरी बात हबकुक कहता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। दाऊद और हबकुक लगभग दोनों एक ही जैसा आयत को लिखता है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा बल है, फिर दाऊद कहता है परमेश्वर ने मेरे पैरों को हिरणियों के पैर के समान बनाया है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा किया है। हबकुक भी यही कहता है, परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पैरों को हरनियों के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। आज इस वीडियो के जरिए हम लोग ये सीखेंगे हरनियों के पैर की विशेषता क्या है। फर्स्ट पॉइंट, हिरणियों के पैर बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। वो लोग ऊंचाई पर भी दौड़ सकते हैं, मतलब पहाड़ के ऊपर भी दौड़ सकते हैं, प्लेन ग्राउंड के ऊपर भी दौड़ सकते हैं, वो लोग छलांग मार सकते हैं। उनके दौड़ने का रफ्तार या स्पीड जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब उनके पास इतना ताकत है कि वो लोग काफ़ी दूरी तक हाई स्पीड में दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर आपने मेरे पैरों को हरनियों के पैर के समान बनाया है। हम लोगों को इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे मजबूत किया है कि हम भी अपने आत्मिक जीवन में दौड़ सकते हैं। बहुत से वक्त हम लोग थक जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, फिर हम लोगों को आगे बढ़ने में उत्साह नहीं है,
लेकिन हमें ये याद रखना है, परमेश्वर ने हमारे पैरों को हिरणियों के पैर के समान बनाया है, मतलब हम लोग बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास में स्ट्रांग रहना है। जैसे हिरणियों के पैर मजबूत है, वैसे हम लोग भी विश्वास में स्ट्रांग रहे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 आयत 13 में हम पढ़ सकते हैं कि हमें विश्वास में स्थिर रहना है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, बी स्ट्रांग या स्टैंड स्ट्रांग इन फेथ, मतलब विश्वास में हमें मजबूत होना है, तब हम लोग प्रभु के लिए दौड़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, जब हिरण दौड़ता है या चलता है, उनके पैरों का आवाज सुनाई नहीं देता, और वो इसलिए है क्योंकि शत्रु से बचे रहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि शेर है और भी जंगली जानवर है जो हिरण का शिकार करते हैं, और अगर हिरण अपने पैरों से आवाज बनाते हैं तो वो लोग इन जंगली जानवर के शिकार बन जाएंगे। और इसलिए प्रभु ने उनको दिया हुआ एक क्वालिटी ये है कि वो लोग बहुत आराम से बिना आवाज के वो लोग दौड़ते या चलते हैं। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में हम क्या सीख सकते हैं? हम लोग ज्यादा शोर करने वाले लोग नहीं है, ज्यादा आवाज करने वाले लोग नहीं है। मेरा बोलने का मतलब यह है, हमने ये किया, हम वहां गए, हमने ये खाया, हम वो किया, ऐसे इस प्रकार अपने जीवन को पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन का उद्देश्य यह है कि प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होना है। हमारी पब्लिसिटी नहीं होना है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैंने क्या खाया, मैं कहाँ गई, मैं क्या कर रही हूँ, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा जीवन का एक ही मकसद होना है, और वो ये है कि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होना है, ताकि लोग जब मुझे देखे, वो लोग मुझे ना देखे, लेकिन मेरे अंदर वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह की महिमा को वो लोग देखने पाए, यीशु का स्वभाव को वो लोग देखने पाए। और जब हम लोग ऐसे जीवन को जिएंगे, तब हम शैतान से बचे रहेंगे। हमें ये समझना है कि जब हम लोग अपनी पब्लिसिटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड छिपा हुआ है, और घमंड के कारण शैतान हमारे जीवन पर हमला कर सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस विषय को जब हम सीखते हैं, हमें ये बात समझना है कि हम लोग हमारी बड़ाई करने वाले लोग ना बने, लेकिन प्रभु की बड़ाई को करने वाले लोग बन जाएं। एक आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, पहला तेसलोनिकियों अध्याय 4 और आयत 11, फर्स्ट तेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 11। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। पौलुस यहाँ पर इस कलिसिया को चिट्ठी लिखते समय पौलुस उन लोगों को समझाता है कि अपने काम पर ध्यान दो, अपने हाथों की कमाई को खाने की कोशिश करो। बहुत से वक्त हम लोग देखते हैं कि लोग एक दूसरे के परिवार में इंटरफियर करते हैं, अपने रिश्तेदारों के परिवार में इंटरफियर करते हैं, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और इस चक्कर में हम लोग अपना परिवार पर फोकस नहीं करते हैं। हमारे बच्चे गलत राह में चले जाते हैं, हम लोग हमारे परिवार पर फोकस नहीं करने के कारण हमारा परिवार आत्मिक बातों में बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस आयत को हमें सीरियसली लेना है कि हम लोग अपने अपने काम पर ध्यान दें, अपनी बढ़ाई ना करें, दूसरों के कामों में इंटरफियर ना करें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और उनको बोले हमारा बच्चे ये कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को वो नहीं मिला, हमारे बच्चों को ये मिला, कंपैरिजन करें। इससे अच्छा ये है हम लोग अपने अपने कामों पर ध्यान दें। मेरे प्रियो, बहुत विश्वासी भाई बहन विश्वास से इसलिए गिर गए क्योंकि शैतान उन पर हमला किया, क्योंकि वो लोग अपने अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो लोग प्रभु की महिमा पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन वो लोग अपनी प्रशंसा करने में तुले थे, या फिर वो लोग दूसरों के कामों में इंटरफियर करने वाले थे। तो आज हम लोग इस आयत से क्या सीखते हैं कि हम लोगों को शांत रहकर प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा करना है, तब परमेश्वर हमारे पैरों को हिरणियों के समान बनाएगा, और साथ में परमेश्वर हमें अपने ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। तीसरी बात, हिरण का पैर की विशेषता यह है कि उनके पैरों के नीचे जो हूफ्स होता है, जो खुरा है, वो बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट वो हड्डी से भी मजबूत है। और हुफ्स का विशेषता ये है कि उनका खुरा रेजर शार्प है, मतलब बहुत ही शार्प है, मतलब अगर वो पैरों से किसी को लात मारा तो जिनको लात मारा वो घायल होकर वहाँ पर गिर जाएंगे।
तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? जब परमेश्वर हमारे पैरों को हरणियों के पैर के समान बनाता है, इसका मतलब यह है जब हम शत्रु पर हमला करेंगे या शैतान के चाल को समझकर शैतान के खिलाफ युद्ध करेंगे, परमेश्वर जय हमको देगा। रोमियों के पत्री में हम पढ़ सकते हैं कि शांति का परमेश्वर शैतान को मेरे पैरों के नीचे कुचल देगा। मेरे प्रियो, ये सारी आयतों को जब हम पढ़ते हैं, हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बहुत मजबूत बनाया है। हम कमजोर लोग नहीं है। प्रभु ने वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो अधिकार हमको दिया है ताकि हम शैतान के खिलाफ वार करें, और हम जयवंत नहीं, जयवंत से भी बढ़कर प्रभु हमें आगे ले जाएगा। आज एक सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ, आज शैतान आपके ऊपर अधिकार रखता है या आप शैतान पर अधिकार रखते हो? आज शैतान आपको परेशान करता है या फिर आप यीशु के नाम से शैतान को डांट कर निकालते हो? मेरे प्रिय, अपने जीवन को जांचिए। प्रभु ने हर एक संतान को एक अधिकार और सामर्थ दिया है, उस अधिकार और सामर्थ का सही उपयोग करने वाले बच्चे हम बन जाएं। अगला विशेषता पर हम ध्यान देंगे, हिरण के पांवों पर सेंट का ग्लैंड्स होते हैं। मैं ये चित्र आपके सामने इसलिए रखी हूँ ताकि आप इस एरिया को देख पाए। इस एरिया में से, हिरन के पैर के इस स्पॉट में से अच्छा स्मेल निकलता है, सुगंध निकलता है, और वो इसलिए है, उसकी विशेषता यह है कि हिरन जहाँ जहाँ जाता है उनके पैरों से ये सेंट, ये खुशबू निकलता है, और वो इसलिए है ताकि वो अपना टेरिटरी को मार्क करे। मतलब वो दूसरे हिरणों के साथ एक डील में आता है, ये हमारा इलाका है, मतलब वो उसका स्टेटस को दिखाता है ताकि कोई और उनके स्टेटस पर, उनके एरिया पर कब्जा ना करे। हम लोग यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? हिरन जहाँ कहीं जाता है उनके पैरों से खुशबू निकलता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में इसका क्या मतलब है? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2:14 में हम पढ़ सकते हैं कि हम जहाँ कहीं जाए यीशु मसीह का ज्ञान का खुशबू हमारे द्वारा फैलना चाहिए। हम जहाँ कहीं जाए लोगों को पता चले कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह पाप से बचाने के लिए आया, इस खुशबू लोगों तक पहुँचने पाए। मेरे प्रियो, हम कहीं जाएं और एक जगह में लड़ाई हो रही है या फिर बहुत टेंशन वाला जगह है, हमारे जाने से लोग वहाँ पर शांति को अनुभव करना चाहिए, हमारे जाने से वहाँ पर झगड़ा बंद होकर लोग प्रेम में वापस आना चाहिए। एक मसीही विश्वासी भाई और बहन की जीवन की खासियत यह है कि हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह का ज्ञान का खुशबू फैलता है। अपने जीवन को जांचिए, जहाँ कहीं हम जाते हैं, हमारे दोस्तों से हम मिलते हैं, हमारे रिश्तेदारों से हम मिलते हैं, हमारे ड्यूटी के जगह, स्कूल के जगह, कॉलेज के जगह, जहाँ कहीं हम जाते हैं, क्या हमारे द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं? क्या हमारे जरिए वो लोग शांति पा रहे हैं? क्या हमारे जरिए वो लोग स्वर्ग राज्य जाने का रास्ता को समझ पा रहे हैं? मेरे प्रियो, हम लोग बहुत धन्य लोग हैं। प्रभु का ज्ञान का खुशबू हमारे अंदर है, वो दूसरों तक फैलने पाए, हमारे जीवन दूसरों के लिए एक आशीष बन जाए। और प्रभु ने इसीलिए हमें बनाया है ताकि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। तो आज ये वचन सुनते सुनते हमारी प्रार्थना होने पाए कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा हजारों लोग आशीषित होने पाए, लाखों लोग आशीषित होने पाए। हमको लगेगा कैसे हो सकता है, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब भेजेगा, और आप भी हैरान हो जाएंगे कि मेरे जीवन के द्वारा ये कैसे हो गया, इतने बड़े काम प्रभु ने कैसे किया। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है, और इसलिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग जाएंगे। अगला पॉइंट यह है, हिरणियों के पैर बहुत मजबूत है, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां पर हिरण चल नहीं सकते हैं, वो लोग फिसल जाते हैं, और वो कौन सा जगह है? और वो है आइस, बर्फ। हिरणियों के पैर इतना मजबूत होने के बावजूद भी वो लोग बर्फ पर नहीं चल सकते हैं, उनका पैर उसके लिए अडेप्टेड नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम उसको कैसे कोरिलेट करें? प्रभु ने हमें बचाया है, प्रभु की आत्मा से हमें भरा है, हम लोग प्रभु के लिए चलने वाले लोग हैं, लेकिन जब हम लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, और हम लोग संगति में नहीं जाते हैं, तो हम लोग आत्मिक जीवन में ठंडे हो जाते हैं।
और उस समय पर हमें समझना है कि हमारा पैर मजबूत नहीं है, लेकिन हम लोग फिसल कर गिर सकते हैं, शैतान हम पर हमला कर सकता है। और इसलिए हमें इस बात को बहुत ध्यान देना है कि आत्मिक जीवन में एक ठंडापन नहीं आना है, हमारे जीवन को हम लोग गार्ड या सुरक्षा करने वाले बन जाए, कि आत्मिक विषयों में हमेशा हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग बन जाए, हम कभी भी पीछे नहीं जाए। पीछे जाने का मतलब क्या है? कभी कभी हम लोग आत्मिक विषयों में हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता, प्रार्थना करना है हमको मालूम है लेकिन प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, फिर हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना हमारे लिए बोरिंग हो जाता है। मेरे प्रियो, याद रखना, वहां पर हम गिर सकते हैं और अनंत जीवन से हम लोग हटकर हम नरक की ओर जा रहे हैं, शैतान हम पर हमला करेगा। तो आज से लेकर आप ये फैसला लीजिए कि हर दिन मैं प्रभु के पास एक और कदम आगे बढ़ने वाली बन जाऊँ, ना कि पीछे हटने वाली। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के लिए उत्तेजित रहे और प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को करें, तो कभी भी विश्वास में ठंडा नहीं होना है। आइए आगे देखेंगे। आखिरी पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो ये है, हिरणियों जब एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तब उनका चलने का एक स्टाइल है, उनके आगे के दो पैर जहाँ पर है वहीं पर उनके पीछे के दो पैर आता है और फिर आगे के पैर आगे चला जाता है। तो इस प्रकार वो लोग चढ़ते समय हर बार ये देखा जाता है कि पीछे के दो पैर वही पोजीशन में आते हैं जहाँ पर आगे के दो पैर रखे थे। मेरे प्रिय, उसका क्या मतलब है? हमारे पास दो ही पैर है, लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि हमें उसी पद चिन्हों पर चलना है जो यीशु ने हमारे लिए छोड़ा है। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, पहला यूहन्ना अध्याय 2:6, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2:6 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जो कोई ये बात कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। यहाँ पर यूहन्ना अपने पत्री में इस प्रकार लिखता है कि जो कहते हैं ना मैं प्रभु में हूँ, उनका चाल चलन वैसे होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का था। यीशु जैसा चला वैसे हमें चलना है, तब यीशु के जीवन पर हमें ध्यान देना है। यीशु जब इस पृथ्वी पर रहा तो कैसे जिया, कैसे चला? यीशु बहुत नम्र स्वभाव का था। मेरे प्रियो, हम भी वैसे ही चलने वाले बन जाए। यीशु मसीह कभी अपने लिए नाम या पैसे या शौहरत कमाने नहीं आया, यीशु मसीह दूसरों की सेवा करने आया। वही हमारा जीवन का चाल चलन होने पाए। हमारा जीवन में मेन मकसद क्या है? वो पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, वो कुछ और बात नहीं होना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है, मुझे वैसा चलना है जैसा यीशु चला। अगली बात हम देख सकते हैं, यीशु मसीह पाप को देखकर गुस्सा करता था, पाप से नफरत करता था, पापियों से प्रेम करता था लेकिन पाप से नफरत करता था। मेरे प्रियो, हम भी वैसे ही चलने वाले बन जाए। पाप को देखकर हम समझौता करने वाले लोग ना बने, लेकिन पाप को देखकर हम नफरत करने वाले लोग बन जाए। पापी से प्रेम कर पाप से नफरत करने वाले। मेरे प्रियो, आज क्या आप पाप से नफरत करते हो? अगर आपके सामने एक शराब का बॉटल दिखता है या फिर कुछ ड्रग्स दिखता है या फिर सुंदर महिला हो या पुरुष हो, उनको देखकर जब गलत सोच आपके अंदर आता है या फिर कुछ झूठी बातें आपके सामने हो रही हैं, तब कैसे फीलिंग्स आपके अंदर होता है? सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, ये आपका सोच है? या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मुझे वैसे ही चलना जैसा यीशु चला, इसलिए ये बातों को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यूसुफ के सामने एक प्रलोभन आया, पोतीफर की पत्नी आई, यूसुफ वहां से भाग जाता है। मेरे प्रियो, ऐसे प्रलोभन के सामने आप भाग जाते हो? अश्लील चित्र देखने का मन आता है तो आप क्या करते हैं? मेरे प्रियो, हमें चेक करना है हम कैसे जी रहे हैं। और यीशु मसीह का देखने का नजरिया बहुत अलग था। यीशु मसीह जैसा देखता था वैसे दूसरे लोग नहीं देखते थे। फॉर एग्जाम्पल, याईर के घर में याईर की बेटी की मौत हुई, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं आपकी बेटी की मृत्यु हो गई, लेकिन यीशु मसीह आकर कहता है तुम्हारी बेटी की मृत्यु नहीं हुई है, तुम्हारी बेटी सो रही है। और वहां पर यीशु उस बेटी को नया जीवन देता है। मेरे प्रियो, यीशु जैसा चलना मतलब हमें बातों को वैसे ही देखना जैसे यीशु देखता है। जब लोग कहते हैं मर गया, यीशु मसीह कहता है ये मरा नहीं है, ये सो रही है।
मेरे प्रियो, जब आप बातों को देखकर आपको लगता है ये नामुमकिन है, ये असंभव है, आपके अंदर से जब आवाज़ आती है तब आप प्रभु की ओर देखकर विश्वास के साथ कहना कि प्रभु से असंभव कुछ नहीं है। आज आपकी जीवन में जो परेशानी है उस बात को देखकर या उस परेशानी को देखकर आप विश्वास के शब्द को बोलिए, वो मृत्यु नहीं है वहाँ पर बोलना, वो प्रभु वहाँ पर कार्य करेगा। आपके परिवार में संतान नहीं है तो आप प्रभु पर विश्वास करके विश्वास के शब्द कहिए, बोलिए यीशु के नाम से हमारे परिवार में संतान होंगे। आप विश्वास के शब्द को बोलिए। अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक संकट है, तो आप यीशु की ओर देखकर विश्वास से बोलिए, प्रभु आपके जीवन के लिए अद्भुत कार्य करेगा। एक और बार मैं उस आयत के पास आना चाहती हूँ, भजन संहिता अध्याय 18 आयत 33, साम चैप्टर 18 वर्स 33, वहां पर इस प्रकार लिखा है, वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैर के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। यहाँ पर दाऊद और हबाकुक दोनों कहते हैं मेरे ऊंचे स्थान। मेरे प्रियो, ऊंचे स्थान सिर्फ नहीं कहा, मतलब सबके लिए एक ऊंचाई नहीं है, परमेश्वर ने सबके लिए एक ऊंचा स्थान बनाया है, प्रभु ने आपके लिए एक ऊंचा स्थान बनाया है। क्या आप अपने ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए आत्मिक बातों में तत्पर हो? एक लड़की थी जिसका नाम था रूथ, वो एक मुआबिन लड़की थी और वहां पर हम देख सकते हैं मुआबी लोग इसराइलियों के दुश्मन थे, लेकिन जैसे ही रूथ ये फैसला लेती है वो कि यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वहां पर परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है और ऊंचाइयों की ओर लेकर जाता है। हम देख सकते हैं रूथ का नाम यीशु मसीह के वंशावली में है। हम हदसा के जीवन को देख सकते हैं, एस्तेर के जीवन को देख सकते हैं। एस्तेर एक अनाथ लड़की है लेकिन परमेश्वर उसको अपने ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। दाऊद के जीवन को देख सकता है जिन्होंने स्वयं ये भजन को लिखा, वो एक चरवाहा लड़का था, उसके मम्मी पापा भाइयों के नज़र में उसका कोई अहमियत नहीं था, लेकिन परमेश्वर दाऊद को अपने ऊंचाई तक लेकर जाता है। दानियल के जीवन से देख सकते हैं, बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि वो लोग हकदार नहीं थे लेकिन प्रभु ने अपनी दया में उनको ऊंचा उठाया। जब हम प्रभु के सामने वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ चलेंगे, प्रभु से पूरे मन से हम प्रेम करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हमारी ऊंचाई तक पहुंचाएगा। प्रभु वफादार है, आप प्रभु के सामने वफादार रहिए, प्रभु आपको आदर करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए, प्रभु उनके पैरों को अपहरणियों के पैर के समान बनाना, उनको अपने ऊंचे स्थान में ले जाना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके जीवन की निराशा, उनके जीवन की कमजोरी, उनके जीवन के हार, सब कुछ निकल जाए प्रभु जी। उनकी आंखें आपकी ओर लगे रहने पाए, उनका चाल चलन वैसे हो जैसे आपका था प्रभु जी। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। आप सभी को जय मसीह की।